विधानसभा का विशेष सत्र आज से हुआ शुरू। सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित। सदन में आज रखे गए 3 अध्यादेश, कृषि उपज मंडी संशोधन अध्यादेश 2019, जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश और आसान माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2019 किए गए पेश। विधानसभा के विशेष सत्र की आज हंगामेदार शुरुआत रही। जैसे ही राज्यपाल कलराज मिश्र ने अभिभाषण शुरू किया, इसी दौरान बीजेपी विधायकों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। विधायकों ने शॉर्ट नोटिस पर अचानक सत्र बुलाए जाने को लेकर किया हंगामा, सदन से वॉकआउट भी किया। इस दौरान राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ते रहे। सदन में फसलों पर टिड्डी अटैक की गूंज भी सुनाई पड़ी। विधानसभा में फसलों पर टिड्डियों के अटैक और फसलों के नुकसान का मुद्दा बिछाया रहा। अनुपगढ़ से बीजेपी विधायक संतोष बावरी सदन में एक बैनर पहनकर पहुंच गई। फसलों को हुए नुकसान को लेकर सभी का ध्यान खींच लिया। विधानसभा में विधायक टिड्डी से भरा टोकरा लेकर सदन में पहुंच गए। किसानों को मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंचायत चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि सरकार को नोटिफिकेशन के आधार पर ही पंचायत चुनाव करवाने होंगे। निर्वाचन आयोग ने अदालत में चुनाव कराने के लिए 3 महीने का वक्त मांगा था ताकि वो तैयारी कर सके, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अप्रैल महीने के दूसरे हफ्ते तक चुनाव का काम पूरा किया जाए। सरकार की तरफ से एजी मनीष सिंघवी ने पैरवी की। खाना बंटन घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। आईएएस अशोक सिंघवी से जुड़े मामले में जस्टिस अशोक गौड़ ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि आरोपियों ने निचली अदालत के आदेशों को चुनौती दी थी। दौसा में किसानों का जमीन समाधि सत्याग्रह दूसरे दिन भी जारी। 101 किसान अभी भी जमीन में समाधि लिए हुए हैं। पूरी रात कड़कड़ाती सर्दी में इसी तरीके से धरना स्थल पर डटे रहे। किसानों का कहना है कि जब तक उन्हें 4 गुना मुआवजा नहीं दिया जाता, वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है। किसान इस अधिग्रहण के लिए दिए जाने वाले मुआवजे की राशि से खुश नहीं है। कोटा में फॉरेस्ट गार्ड रिश्वत केस में बड़ा खुलासा हुआ। रिश्वतखोर फॉरेस्ट गार्ड एमपी वर्मा ने घूस की राशि परवादी घनश्याम को धर्मपुरा रोड पर एक चाय वाले विजय गुर्जर को देने के लिए कहा। चाय वाले तक परिवादी को पहुंचाने का काम दलाल करता था, जिसका नाम वीरम है। जयपुर में रोडवेज के नाम और लोगों के साथ चल रही फर्जी बसें सोशल मीडिया पर वायरल होकर एक वीडियो के तौर पर नजर आती है। रोडवेज के अधिकारियों की कार्यशैली पर उठ रहे हैं सवाल। दौसा के निधिवन इलाके में बीती रात फायरिंग का मामला सामने आया। लोग दहशत में हैं। लोगों की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, पड़ताल शुरू की। पुलिस को मौके से गोली के 3 खोखे बरामद हुए। बिरदा के गोटन के खोखरों की ढाणी के रहने वाले नेवी मैन बिरमाराम खोखर का सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी में काम करने के दौरान खोखर की ड्यूटी के दौरान ही मृत्यु हुई थी। उदयपुर जिले के झाड़ोल की चंदवास ग्राम पंचायत की सरपंच गीता देवी वडेरा को चुनाव जीतने के बाद से ही जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद भूमिगत हुई गीता देवी ने पुलिस से अब सुरक्षा की गुहार लगाई है। भरतपुर के भुसावर थाना क्षेत्र के महाराजपुरा गांव में विवाहिता के अपहरण की कोशिश का मामला सामने आया। बदमाशों की ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। ग्रामीणों के मुताबिक कार में सवार होकर आए बदमाश विवाहिता के अपहरण की फिराक में थे, लेकिन ग्रामीणों को सूचना लग गई थी और युवकों को पकड़ लिया। जमकर उनकी धुनाई कर दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची, युवकों को हिरासत में लिया। जयपुर के दौलतपुरा में पशु चोर गिरोह सक्रिय है। बीती रात बगवाड़ा गांव में एक बाड़े में बंधी आधा दर्जन भैंस को चुरा कर ले गए। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। जयपुर के हरमाड़ा इलाके की लोहा मंडी में माइनिंग विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध बजरी से भरे 5 ट्रेलर जब्त किए। सिरोही के पिंडवाड़ा के सिलवा फली में जला शव मिलने का मामला सामने आया। वारदात को लेकर परिजनों और शहरवासियों में आक्रोश दिखाई पड़ता है। हथियारों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए पिंडवाड़ा थाने के बाहर इन लोगों ने धरना दिया। बाड़मेर शहर के 2 अलग अलग जगहों पर एक युवक और एक युवती ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। 2 अलग अलग जगह हुई आत्महत्या की घटना के बाद से ही पूरे शहर में सनसनी फैली हुई है। उदयपुर के सूरजपुर इलाके में एक जेब कतरा लोगों के हत्थे चढ़ गया। इसके बाद लोगों ने पहले तो उसकी जमकर धुनाई की, बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। धौलपुर में करीब 1 दर्जन लोगों ने सहारा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर
पैसे हड़पने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को ज्ञापन सौंपकर धन वापसी और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। चुरू के रतनगढ़ में कोर्ट ने बहू की हत्या के आरोप में सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, 10,000 का जुर्माना भी लगाया। आरोपी की 4 सितंबर 2013 को हुई वारदात में सास ने अपनी बहू की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी थी। उदयपुर के सरोम्बर कस्बे में बुधवार को चुनाव में मतदान के लिए पहुंचे दो युवकों की लोगों ने जमकर धुनाई कर दी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सिंह गिंगला थाना पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। श्रीगंगानगर के चानना धाम में पंचायत चुनाव को लेकर खूनी संघर्ष का मामला सामने आया, सरपंच की जीत के बाद काफिले पर फायरिंग का मामला सामने आया, दो युवकों के घायल होने की खबर। जयपुर में बस्सी टोल पर मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई दिखाई पड़ी, पुलिस ने मिनी ट्रक से 1,000 किलो गांजा पकड़ा। क्राइम ब्रांच की टीम ने अंतर्राज्यीय स्तर पर दो तस्कर गिरफ्तार किए तो 5 बदमाशों को हिरासत में भी लिया। ऑल कमर्शियल वाहन महासंघ का चक्का जाम, सभी फिटनेस सेंटर्स को निजी हाथों में देने का कर रहे हैं विरोध, लोगों को टैक्सी कार ऑटो रिक्शा मिलने में हो रही है दिक्कत। जयपुर के स्मृति वन में बीते साल पैंथर दिखने के बाद से स्मृति वन के गेट पर ताला जड़ा हुआ है, शहर के बीच बने स्मृति वन में मॉर्निंग वॉक करने आने वाले लोग परेशान हैं। इधर वन विभाग की टीम लगातार पैंथर को पकड़ने के लिए जाल बिछा रही है लेकिन पैंथर का अतापता नहीं लग रहा। बारामेर सड़क नाली बनाने की मांग को लेकर हॉस्पिटल रोड के व्यापारियों ने दुकानों को बंद कर दिया, नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विजयनगर नगर पालिका के सामने लोगों और पार्षदों का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। कोटा में वन विभाग की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के खिलाफ बड़ा बस्ती के लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, बड़ा बस्ती के लोगों ने कलेक्ट्री तक रैली निकाली, जमकर प्रदर्शन किया। धौलपुर के गडरपुरा और दमा मोहल्ले में जल भराव और गंदगी से परेशान लोगों ने नगर परिषद के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, जल भराव की समस्या से निजात दिलाने की मोहल्ले में साफ सफाई करवाने की मांग की है। चुरू के रतनगढ़ में प्रमाणा ताल का गंदा पानी सड़क पर आने की वजह से लोग गुस्से में हैं, लोगों ने रास्ता जाम कर दिया। टोंग में पानी भरने की जगह पर अवैध शराब का ठेका महीनों से चल रहा है जो आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, खासकर पानी भरने वाली जगह पर महिलाओं को पिछले कई महीनों से परेशानी उठानी पड़ रही है। दौसा के मंडावरी थाना क्षेत्र में सड़क पर टैंकर से ऑयल रिसाव के चलते आधा दर्जन वाहन पलटे खा गए, हादसे में एक जीप चालक की मौत भी हो गई तो एक अध्यापिका गंभीर रूप से घायल हो गई। रायसिंह नगर शहर से सटे गांवों में टिड्डी दल का हमला शुरू हो गया, अचानक पहुंचे टिड्डी दल से किसानों में हड़कंप मच गया, सूचना के बावजूद कृषि विभाग और टिड्डी नियंत्रण दल की टीम मौके पर नहीं पहुंची। बांसवाड़ा जिले की नवा गांव पंचायत में 44 साल से एक ही परिवार का वर्चस्व है, डांडी मकूड़ी गांव के मखवाड़ा परिवार का सदस्य जब जब पंचायत के चुनाव हुए उसमें जीतता रहा है। बढ़ते आगे और बात करते हैं भीलवाड़ा की, भीलवाड़ा में मतदाताओं ने अपने गांव की सरकार चुन ली, करेड़ा की ज्ञानगढ़ ग्राम पंचायत में 22 वर्षीय वर्षा टांक सबसे कम उम्र की सरपंच बनी है। चौमू में किशन बानपुरा पंचायत ऐसी है जहां पति ने पत्नी को चुनाव में हराकर सरपंच के पद पर कब्जा कर लिया, पति हरदेव ने पत्नी परमेश्वरी देवी को मात देकर 11 मतों से जीत हासिल की। साधुशहर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मुदरवाली की नवनिर्वाचित सरपंच बलजिंदर कौर ने अपना कार्यभार संभाल लिया, बलजिंदर कौर ने ग्राम पंचायत भवन में नंगे पैर से कदम रखा, अरदास के बाद कार्यभार संभाला। इधर बांसवाड़ा की तलवाड़ा पंचायत समिति की सुरपुर पंचायत के ग्रामीणों ने एक चाय वाले को सरपंच बना दिया, सुरपुर गांव के बस स्टैंड पर स्थित चाय की थड़ी लगाने वाले चाय वाले को लोगों ने सरपंच बना लिया। ट्रैफिक से जूझते जयपुर वासियों के लिए एक अच्छी खबर, जयपुर मेट्रो फेज 1B के टनल का काम पूरा हो चुका है, जल्द ही जयपुर वासियों को इस रूट पर मेट्रो की सौगात मिलने वाली है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर निर्वाचन विभाग की ओर से अजमेर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इसी कड़ी में अजमेर जिला कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा ने कलेक्ट्रेट में सभी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को मतदान की शपथ दिलवाई। जयपुर में पहली बार ICAI अवार्ड्स फॉर एक्सेलेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का आयोजन किया गया, बिरला सभागार में हुए आयोजन में विजेता उद्यमियों और संस्थाओं को विभिन्न कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए। महाराष्ट्र में मिली सफलता के बाद अब शिवसेना ने राजस्थान में भी अपना विस्तार शुरू कर दिया है, शिवसेना के अजमेर इकाई की तरफ से सदस्य अभियान चलाया गया।
इधर प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में सर्व समाज ने रैली निकाली। रैली में सैकड़ों की संख्या में शामिल लोगों ने जमकर नारेबाजी करते हुए सीएए का समर्थन किया। अजमेर के सेंट्रल एकेडमी स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब का उद्घाटन किया गया। केंद्र सरकार के नीति आयोग के अटल इनोवेशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर उन्नत प्रसाद पंडित ने उद्घाटन किया। बीकानेर के रहने वाले 33 साल के सोनी ने टैटू के जरिए अपने शरीर पर पूरे भारत को उकेर लिया है। उनके शरीर पर 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रसिद्ध स्थान देखे जा सकते हैं। अलवर के उच्च राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में डिजिटल क्लासरूम को एक क्रूज के तौर पर विकसित किया गया है। शौचालय को भी एक स्वच्छता वाहिनी के तौर पर दिखाया गया है। बीकानेर में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने नवाचार करते हुए राजस्थान की पहली लाइब्रेरी की शुरुआत की है। इस लाइब्रेरी के माध्यम से इंजीनियरिंग से जुड़े लोगों में निर्माण के आधुनिक तकनीकों के साथ साथ पुराने तकनीकों की जानकारी के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। अनिवार्य शिक्षा मेरा अधिकार थीम पर राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। अजमेर में बालिका पढ़ाओ की थीम पर रैली का किया गया आयोजन। शिक्षा और पुलिस विभाग के साथ ही राजस्थान सरकार के सभी विभागों के कर्मचारियों ने लिया हिस्सा। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बीकानेर मुख्यालय पर रैली का आयोजन किया गया। रैली को जस्टिस नवनीत अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छात्र और छात्राओं ने रैली के दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। बालिका शिक्षा को लेकर दौसा में जागरूकता रैली का किया गया आयोजन। जस्टिस गिरीश कुमार शर्मा ने रैली को दिखाई हरी झंडी। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर बांसवाड़ा शहर के राजकीय नूतन स्कूल से रोली का आयोजन किया गया। जस्टिस फूल सिंह तोमर ने रैली को हरी झंडी दिखाई। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर राजकीय सावित्री स्कूल से छात्राओं ने प्रभात रैली निकाली। प्रभात रैली को जस्टिस रविकांत सोनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उदयपुर में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से फतेहसागर पाल पर विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ पेंटिंग प्रतियोगिता नुक्कड़ नाटक समेत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सीकर जिले के दातारामगढ़ में बालिका दिवस के मौके पर बालिका शिक्षा जागरूकता रैली का किया गया आयोजन। एडीजे डॉक्टर मनोज कुमार सोनी और एसीजेएम अनतोष गुप्ता ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई। सीकर में पिछले दिनों भामाशाह योजना से जुड़े अस्पतालों के बकाया भुगतान को लेकर चल रहे विवाद का निस्तारण करने को लेकर बीमा कंपनी और अस्पताल संचालकों की बैठक हुई। टोंक जिले के पीपलू में एक शिक्षक दिनकर विजय वर्गीय ने गरीबों को कपड़ा बांटने की पहल शुरू की है। अजमेर में गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय समारोह पटेल मैदान पर आयोजित किया जाएगा। जिला स्तरीय समारोह के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां जोरों पर। झालावाड़ के श्री जी महमी स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के मौके पर जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। भीलवाड़ा में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह सुखाड़िया स्टेडियम में धूमधाम से मनाया जाएगा। समारोह से पहले आज अंतिम रिहर्सल की गई। साधु शहर में गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सर्दी के बीच बच्चों का उत्साह चरम पर। टोंक जिले के झिराना में हिंदू मुस्लिम मित्रों ने अपने अपने हिस्से की 2-2 बीघा जमीन गौशाला के लिए दान देकर हिंदू मुस्लिम सद्भाव की अनूठी मिसाल पेश की है। बाड़मेर के राजकीय पीजी महाविद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जालीपा मिलिट्री स्टेशन की तरफ से 2 दिवसीय सैन्य हथियार प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। जामिया अंसर केस में फुरकान नाम के आरोपी को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। विरोध में आप विधायक अमानतुल्लाह का थाने में हंगामा। जामिया अंसर मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष बाला और जेएनयू छात्र चंदन पहुंचे क्राइम ब्रांच ऑफिस। हिंसा से जुड़े हुए कारणों को लेकर जारी हुआ नोटिस। दिल्ली चुनाव में रैलियों का भी दंगल। गृहमंत्री अमित शाह की 3, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की 2 रैली। मुख्यमंत्री केजरीवाल भी करेंगे रोड शो। दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन। 698 उम्मीदवारों ने भराया नामांकन। दिल्ली चुनाव को भारत पाकिस्तान मुकाबला बताने वाले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा बयान पर कायम। कहा, सच कहने में डर कैसा। भीमा कोरेगांव हिंसा केस में शरद पवार ने की नई एसआईटी बनाने की मांग। उद्धव ठाकरे को चिट्ठी में देवेंद्र फडणवीस पर लगाया सत्ता के दुरुपयोग का आरोप। नागरिकता कानून और एनपीआर के खिलाफ वंचित बहुजन अघाड़ी का आज महाराष्ट्र बंद। मुंबई में
सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, आपात हालातों से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस वाले तैनात। सी डबल ए के खिलाफ बुद्धिजीवियों का आज प्रतिनिधिमंडल, राष्ट्रपति से करेगा मुलाकात। प्रतिनिधिमंडल में रिटायर्ड जज, पूर्व सैन्य अधिकारी, राजनयिक और लेखक शामिल। सी डबल ए पर अभिनेत्री नंदिता दास का विरोध, कहा धर्म के नाम पर लोगों को किया जा रहा है विभाजित। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा सड़कों पर उतरे युवाओं ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी आवाज को हमेशा मुखर किया, इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोबड़े का बड़ा बयान, कहा कोर्ट के फैसलों का सम्मान हो, फांसी की सजा को स्वीकार करें मुजरिम, कानून के नाम पर अंतहीन मुकदमेबाजी की इजाजत नहीं। झारखंड के लोहरदगा में नागरिकता कानून के समर्थन में जुलूस पर पथराव के बाद भड़की हिंसा के बाद तनाव, पूरे शहर में धारा 144 लागू, कल हिंसा में घायल हुए 50 से ज्यादा लोग। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सुप्रीम कोर्ट से आंशिक राहत, 2014 में चुनाव लड़ते वक्त जानकारी छुपाने के मामले में फडणवीस के रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार। ममता सरकार का बड़ा फैसला, कोलकाता में 2020 में होने वाले म्युनिसिपल चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। गौतम बुद्ध नगर जिले में कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो जाने के बाद पुलिस और बदमाशों के बीच गुरुवार रात हुई पहली मुठभेड़, एक बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली के राजौरी गार्डन में कपड़े के शोरूम में आग लगी, भयानक रूप से लाखों का सामान जलकर हुआ राख, 7 दमकल ने आग पर पाया काबू। केरल के अलपुजा में हाउस बोट में लगी आग, बोट में सवार 16 लोगों ने कूदकर बचाई जान। महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश में भी संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे स्कूली बच्चे, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। गंगा सफाई के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए यूपी में 27 जनवरी से गंगा यात्रा शुरू होगी, सीएम आदित्यनाथ योगी बिजनौर में करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित 49 बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात, पीएम ने बच्चों की बहादुरी को सराहा, परिवार वाले भी पीएम से मुलाकात करने पहुंचे। रिपब्लिक डे परेड पर नागरिकता कानून के विरोध का साया, गृह मंत्रालय ने सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों को किया अलर्ट, चिट्ठी में लिखा लोगों को भड़का रहे हैं कट्टरपंथी। इस बार गणतंत्र दिवस पर अमर जवान ज्योति के बजाय वॉर मेमोरियल जाएंगे पीएम मोदी, शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में ब्राजील के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे, 24 से 27 जनवरी तक भारत की यात्रा पर आ रहे हैं ब्राजीली राष्ट्रपति। इधर मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में संगम पर उमड़ा आस्था का सैलाब, लाखों लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। कश्मीर और सीएए पर ब्राजीली राजदूत ने दिया बयान, दोनों भारत के अंदरूनी मामले, अपनी सभी समस्याओं का समाधान ढूंढ लेगा भारत। चीन में कोरोना से मरने वालों की संख्या हुई 25, 830 केस आ चुके हैं सामने। इधर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्ट्रीट फैशन शो का किया गया आयोजन, रेड कार्पेट पर पारंपरिक ड्रेस में मॉडल्स ने किया कैटवॉक। स्पेन में ग्लोरिया तूफान का कहर बरकरार, स्पेन के कैटालोनिया में तूफान के बाद हर तरफ सफेद झाग दिखाई पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग पर काबू करने में जुटा हुआ एक विमान हादसे का शिकार हुआ, विमान में सवार सभी 3 क्रू मेंबर्स की मौत। फिलीपींस में ताल ज्वालामुखी से लगातार निकलते लावा और राख की वजह से कई किलोमीटर के इलाके में मची अफरा तफरी, प्रशासन ने बड़े हादसे को टालने के लिए कई जगहों पर सड़कों पर बैरिकेड लगाए। ऐसा राजामौली की मेगा बजट तेलुगु फिल्म आरआरआर की शूटिंग हैदराबाद में चल रही है, फिल्म में जूनियर एनटीआर और रामचरण तेजा के अलावा अजय देवगन भी नजर आएंगे।